ए शेरशाही के लोगों, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया है, मेरे बंदो, ज़ार अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, पूरी दुनिया के अंदर ऐ मेरे बंदो, पूरी दुनिया के अंदर आसमान के नीचे जमीन के ऊपर दुनिया के किसी भी कोने में समुंदर के नीचे खुशकी में तरी के अंदर यानी जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आ रहा है, जहां पर भी तुमको फसाद नजर आ रहा है, जहां पर भी तुमको बुराई नजर आ रही है, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है, ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। अगर आज हमारा समाज तमाम किस्म के बुराइयों में अगर घेर रहा है तो इसके अव्वल जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह मिसाल फरमाता है, ऐ लोगो, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर, जब तुम्हारे समाज के अंदर, तुम्हारी सोसाइटी के अंदर, तुम्हारे गांव के अंदर, या यूं कह लूं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ऐ लोगो, जब भी तुम्हारे पास कोई परेशानी आए, जब भी तुम्हारे पास किसी किस्म की तकलीफ आए, किसी किस्म की परेशानी आए, तो ये समझ लेना कि ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने का नतीजा है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया। इसलिए अगर आज हमारे समाज के अंदर बुराइयां हैं तो इसका अव्वल जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। आइए और एक बात पर जरा गौर कीजिए, जलसा क्यों कराते हैं साहब? ताकि हमारा समाज गुनाहों से पाक हो जाए, यही मकसद है ना। मुझसे बात कीजिएगा और सुनते जाइए। आज जलसा क्यों कराते हैं? मौलवी तनवीर को कटियार से क्यों बुलाते हैं? क्यों? इसलिए कि मौलाना तनवीर आलम आएंगे, वो कुरान हदीस की बातें करेंगे, हम लोग सुधर जाएंगे, हम लोगों के अंदर तब्दीली आएगी, चेंजिंग आएगी, उनकी बातों पर अमल करेंगे। यही ना जलसा करने का और जलसा सुनने का मकसद है। क्या आप चाहते हैं कि आपके शेरशाही में हर किस्म की जो बुराई आज मौजूद है, सूदखोरी, जनाखोरी, बेहयाई, उलिया नियत, वल्गैरिटी, बेपर्दगी, हरामखोरी, हर किस्म की बुराई जो आज आपके शेरशाही के अंदर मौजूद है, क्या आप चाहते हैं कि आपके शेरशाही से तमाम किस्म की बुराइयां खत्म हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका मुआशरा, आपका समाज, आपकी सोसाइटी सुधर जाए? क्या आप चाहते हैं? हर इंसान चाहता है। इसलिए आइए इस बात को जरा गौर कीजिए, अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं, अगर आप मुआशरा को सुधारना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके समाज से बुराइयां खत्म हो जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम खुद की इस्लाह करें। सबसे पहले हम किसकी इस्लाह करें? खुद की इस्लाह करें, खुद सुधर जाए। याद रखिए, अगर आप सुधर जाएंगे तो आपका समाज भी सुधर जाएगा, अगर आप सुधर जाएंगे तो आपकी सोसाइटी भी सुधर जाएगी, अगर आप सुधर जाएंगे तो आपका शेरशाही से तमाम किस्म की बुराइयां खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्त है कि सबसे पहले आपको सुधरना पड़ेगा, शर्त है कि सबसे पहले आपके अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी, सबसे पहले आपके अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, आपके अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए कि समाज हमसे और आपसे बनता है, समाज से हम और आप नहीं बनते, शेरशाही से, शेरशाही हमसे बनता है, हम लोग शेरशाही में हैं, इसलिए आज शेरशाही को लोग जानते हैं। अगर हम ना रहेंगे तो शेरशाही को कोई जानने वाला और पहचानने वाला दुनिया में बाकी नहीं रहेगा मेरे भाइयों। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले खुद के अंदर तब्दीली लाइए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े आसान उर्दू में आज आप लोगों के सामने बात करूंगा। इसलिए सबसे पहले खुद के अंदर तब्दीली लाइए, खुद को गुनाहों से आप बचाइए। अब मसला ये रहा, सवाल ये रहा, साहब तनवीर साहब, आप चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि गुनाहों से बच जाऊं, बुराई से बच जाऊं, लेकिन बचूं कैसे, कैसे बचूं? जितना जलसा सुनता हूं उतना ही तो गुनाह के करीब पहुंच रहा हूं। और देखिए आज कुरान और हदीस की बातें हमारे ऊपर असर नहीं करती है। शायद कोई ऐसी रात हो
जिस दिन आपके इलाके में प्रोग्राम ना होता, मैं आज यहाँ हूँ, मैं कल कहीं और रहूंगा, परसों जज जी साहब फिर शेरशाही में चले आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? हर दिन कहीं ना कहीं जलसा होता है, लेकिन साहब कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज जलसों के नाम पर काम का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, काम का पैसा जलसों के नाम पर पानी की तरह लुटाया जा रहा है, लेकिन जलसा होने के बाद रिजल्ट क्या निकलता? उसके बावजूद भी हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, चेंजिंग नहीं आई, हम गुनाहों से नहीं बच पा रही। मैं जलसे के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपकी मेंटेलिटी के खिलाफ हूं। मैं जलसे, आप जलसा करवाइए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपकी मेंटेलिटी के खिलाफ हूं कि जलसा तो सुनते हैं साहब, जलसा सुनने तो आप आते हैं, लेकिन आप गुनाहों से नहीं बचते, आपके अंदर तब्दीली नहीं लाते, आपके अंदर चेंजिंग नहीं लाते। इसलिए सामईन, आइए मैं कुछ चीजें ऐसी आप लोगों के सामने आज बताकर जाऊंगा, जिसको अगर आप अपनाएंगे तो यकीनन आप गुनाहों से बच जाइएगा, इंशाल्लाह आप गुनाहों से बच जाइएगा। जब कुरान और हदीस का गौर से मुताला करते हैं, जब कुरान और हदीस को गौर से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें पता ये चलता है कि एक इंसान उस वक्त तक गुनाह से नहीं बच सकता। अरे आप एक महीना, दो महीना क्यों, साल के हर दिन अगर आप कुरान और हदीस की बातें सुनेंगे, उसके बावजूद भी आपके अंदर चेंजिंग नहीं आएंगी, आप गुनाहों से नहीं बच पाइएगा। क्यों? क्यों? वो इसलिए कि आपके अंदर अल्लाह का डर नहीं है। अगर आप गुनाह से बचना चाहते हैं, पहली चीज पर जरा गौर कीजिए, अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं गुनाहों से बच जाऊं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कीजिए। जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी माएं और बहनें, आप भी अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए, अल्लाह का डर। अगर आपके अंदर शेरशाही वालों, अगर आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, तो आप आज ही से, अभी से आप गुनाहों से बच जाइएगा। अगर आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा नहीं होगा, तो यकीन मानिए आप जिंदगी भर जलसा सुनते रहेंगे, लेकिन आप गुनाहों से नहीं बच पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। इसीलिए कुरान बार बार कहता है कि लोगों अल्लाह से डरो। देखिए कुरान किस तरह बार बार हमसे और आपसे ये कह रहा है, किस तरह हमें और आपको ये मैसेज दे रहा है, जरा कुरान पर नजर डालिए। ऐ लोगों, अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं, तो अल्लाह का खौफ, खौफे इलाही अपने अंदर पैदा कर लीजिए, जिसकी तालीम कुरान हमें और आपको बार बार दे रहा है। और कुरान ये कह रहा है, यानी अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के अंदर ये बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ लोगो जो अल्लाह पर ईमान लाए हो, ऐ मोमिनो तुम्हारा सबसे पहला काम ये, अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर अगर ईमान रखते हो, ऐ लोगो अगर तुम कयामत के दिन पर ईमान रखते हो, अगर तुम नबियों पर ईमान रखते हो, तो तुम्हारा पहला काम ये है कि तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करो, अपने अंदर तक्वा पैदा करो, अपने अंदर खौफ इलाही को पैदा करो, खशियत इलाही को अपने अंदर पैदा कर लो। फिर कुरान कहता है मोमिनों से कहा गया, ऐ मोमिनों तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो, इसलिए कि जब तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, तो तुम तमाम किस्म की बुराई से और तमाम किस्म के गुनाह से बच जाएगा। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व ताला ये कह रहा है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, या अय्युहन्नास तकू, ऐ दुनिया इंसानियत के लोगों, आसमां के नीचे जमीन के ऊपर बसने वालों, ऐ इंसानों पहला काम ये करो कि तुम अपने अंदर तकवा पैदा कर लो, तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो, अल्लाह का डर पैदा कर लो। अल्लाह तबारक व ताला बार बार कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ शेरशाही वालों अगर फेसबुक से कभी फुर्सत मिले, वो मेरी माई और बहनें अगर व्हाट्सएप से कभी फुर्सत मिले, दोस्तों से बात कर कर अगर कभी फुर्सत मिले, तो कभी कुरान का मुताला कर लेना, कभी कुरान को पढ़ लेना तर्जमे के साथ, कभी कुरान को भी समझ लेना। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के अंदर एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, बार बार अल्लाह तबारक व ताला लोगों को ये मैसेज दे रहा है, लोगों से ये कह रहा है, ऐ लोगों तुम अपने अंदर मेरे
मेरा डर पैदा कर लो। ऐ लोगो तुम अपने अंदर उस रब का डर पैदा कर लो, ओ लोगो तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो। नबी भी बयान फरमाते हैं, नबी भी बयान फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगो अगर तुम कामयाबी चाहते हो, ऐसे सही के लोगो अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर गुनाहों से बचना चाहते हो तो तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो। हदीस देखिए, एक हदीस हजरतुल विदा के मौके पर, हदीस के रावी हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस पर जरा गौर कीजिए। हजरतुल विदा का मौका है, यानी हजरतुल विदा के मौके पर नबी, यानी जिस साल के, यानी चंद ही साल के बाद नबी इस दुनिया को खैराबाद कहकर चले गए। नबी हमसराब से रुखसत होकर चले गए। सबसे लंबी तकरीर और सबसे लास्ट की तकरीर जो सहाबा इकराम के सामने और इतने तादाद के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, उस तकरीर पर भी जरा गौर कीजिए। हजरतुल विदा का मौका है, नबी अकरम अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐ लोगो हदीस को, इस हदीस को गौर से सुनो। हजरतुल विदा के मौके पर नबी अकरम अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए हैं। नबी के सामने जिस तरह आप मेरी बातों को सुनने के लिए जमा हुए हैं, बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी के सामने 1 लाख या 1.25 लाख सहाबा किराम मौजूद हैं। 1 लाख या 1.25 लाख सहाबा किराम अल्लाह के नबी के सामने मौजूद है। अल्लाह के प्यारे रसूल लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जद करने के लिए, दिलाने के लिए, अल्लाह के नबी अपनी तरफ लोगों को रुगबत दिलाने के लिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अला तस्मऊन, ऐ लोगो, ऐ मेरे साहबा, क्या तुम लोग मुझे सुनते नहीं हो। नबी फरमाते हैं, अला तस्मऊन, ऐ लोगों, क्या तुम मुझे सुनते नहीं हो। उसके बाद नबी ने 3 मर्तबा फरमाया, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा ये कह रहे हैं, सहाबा के सामने ये बयान फरमा रहे हैं, ऐ मेरे साहबा अल्लाह लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा, ऐ मेरे साहबा हो सकता है कि आइंदा साल तुम मुझसे मुलाकात ना कर सको, शायद तुम लोग आइंदा साल मुझसे मिल ना सको। नबी 3 मर्तबा बयान फरमाते, हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, अबू मामा हदीस के रावी हैं, सही हदीस है। सबसे पीछे देखिए, 1 लाख 1.25 लाख सहाबा किराम मौजूद हैं। सबसे लास्ट में से एक सहाबा खड़ा हुआ, एक आदमी खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद नबी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, आप हमें किस चीज का हुक्म देते हैं। ऐ नबी, आप हमें किस चीज की वसीयत करते हैं, आप हमें क्या बताना चाहते हैं। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगो इत्तकुल्लाह रब्बकुम, ऐ लोगो तुम अपने रब से डरो, ऐ लोगो तुम अपने रब से डरो। नबी का लास्ट खुतबा है, अपने सहाबा को, अपनी उम्मत को ये पैगाम दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है, ऐ लोगों, हो सकता है कि आज के बाद तुम लोग यानी आइंदा साल मुझसे मिल ना सको, इसलिए याद रखो, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, तुम अपने रब से डरो, उस अल्लाह से डरो जिसने तुमको पैदा किया, और फिर जिसने तुमको पैदा किया, अपने रब से डरो। उसके बाद फरमाया, सल्लू खमसकुम, 5 टाइम की नमाज पढ़ा करो। उसके बाद फरमाया, सुमू शहरकुम, माह रमजान में रोजा रखो। फिर नबी ने बयान फरमाया, व अद्दू ज़कात अमवालिकुम, तुम अपने माल में से ज़कात अदा करो। नबी ने यह बयान फरमाया, तो यहां पर भी नबी ने क्या बयान फरमाया, सबसे पहले नबी ने क्या बयान फरमाया, वत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, कि तुम अपने रब से डरो, तुम अपने रब से डरो। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, इंसान जब अल्लाह से डरता रहेगा तो तमाम किस्म की बुराई से वो बच जाएगा, और जब इंसान के अंदर से अल्लाह का डर खत्म हो जाएगा, आप हजारों रात जाग जाग कर जलसा सुनिए, मैं आपको बता के जाता हूं, आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, आपके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। गुनाह से बचना चाहते जितने भी लोग मेरे सामने मौजूद है, स्टेज के ऊपर भी, इधर उधर जितने भी लोग मौजूद हैं,
पहली चीज को याद रखिए कि अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लीजिए। अल्लाह का डर मतलब अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अगर ये चीज आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो यकीनन आप गुनाहों से बच जाइएगा। नबी बयान फरमाते हैं शेरशाही के लोगों, तुम जहां भी रहो, आए लोगो इत्तकिल्ला हैसु मा कुंता। नबी ने बयान फरमाया तुम जहां कहीं भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, जिस हाल में रहो, जिस हालात में रहो, अल्लाह से डरते रहा करो। लोगों के सामने हो फिर भी अल्लाह से डरो। रात के 12 बजे रूम के अंदर सोए हुए हो, कमरा के अंदर सोए हुए हो, फिर भी अल्लाह से डरो। यानी नबी ने ये बयान फरमाया ए लोगों, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, तुम अल्लाह से डरते रहा करो, तुम अल्लाह से डरते रहा करो। क्यों? अल्लाह से अगर डरेंगे, बार बार कहता हूं आप गुनाहों से बच जाएगा। ये पहली चीज है, बड़ी काम की चीज, इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा, सिर्फ सुनते जाइए। आज अल्लाह से डरिए। देखिए एक होता है ना कि इंसान गुनाह दो प्रकार से करते हैं, बात को सुनिए, कई प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से इंसान गुनाह करते हैं। मेरी माए बहन, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? एक मसला है, हिंदी फिल्म समझ में आएंगी, हिंदी सीरियल समझ में आएंगी, सलमान खान की बात समझ में आएंगी, लेकिन जब मौलवी उर्दू में तकरीर करेंगे ना, कहें क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। ये मसला है मेरी माँ और बहनों के सामने, ये मसला है। इंशाल्लाह अब धीरज रख के मैं बंगला में भी बता के जाऊँगा, इंशाल्लाह लास्ट में बंगला में बोलूँगा तो मेरा जनाजा निकल जाएगा फिर। इंशाल्लाह बोलूँगा मैं तो, बहुत आसान शब्दों में मैं समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह अब धीरज रखे, इंशाल्लाह बोलूँगा। तो क्या फरमाया? अल्लाह से डरो। देखिए इंसान दो प्रकार से गुनाह करते हैं, एक होता है ना लोगों के सामने करते हैं, एक होता है खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं। तेरा बाप का खाता हूँ तुझसे डरूंगा, होता है ना दिल में। सिगरेट पीना गुनाह का काम है कि नहीं है? सिगरेट पीना गुनाह का काम है, नेकी का काम है भाई, गुनाह का काम है ना। लेकिन देखेंगे जब वो सिगरेट पीते हैं ना, बड़ा अकड़ के पीते हैं, कोई कहता है साहब ऐ बेवकूफ, तेरा बाप खड़ा है, तेरा चचा खड़ा है, गांव वाले खड़ा है, तू यहाँ पे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, तो क्या जवाब होता है? खुद की कमाई का पैसा से सिगरेट पी रहा हूँ, थोड़ी ना तुम्हारे बाप का, किसी के बाप का पी रहा हूँ, ऐसा होता है? तो अल्लाह का डर नहीं है। तो अगर अल्लाह का डर पैदा होगा तो ये जुरात नहीं करेगा, उसकी ये जुरात नहीं होगी कि खुद का पैसा है, क्योंकि वो हदीस भी मैं आपके सामने लाऊंगा, सिगरेट पीने वाली वो हदीस। और दूसरी चीज, इंसान तन्हाइयों की गुनाह से भी बच जाएगा, तन्हाई का गुनाह। तन्हाई का गुनाह मतलब हाथ में मान लीजिए रात में आप सोए हुए हैं, रात के 12 बज रहे हैं, सोए हुए, खिड़की लगी हुई है, दरवाजा बंद है, माँ सोई हुई है, बाप सोया हुआ, कोई नहीं है। अब आपके हाथ में मोबाइल है, दिल करता है देख लूं। क्या देख लूं? अब बताने की जरूरत नहीं, सन्नी लेवन को कौन नहीं जानता है, सब नौजवानों के चहेते हैं वो तो। देख लूं, दिल करता है देख लूं, चलो देख लेता हूं, कोई किसी को पता नहीं चलेगा। रात में देखता हूं, सुबह जब निकलता है तो बड़ा फरिश्ता बन के निकलता है, लगता है ये कोई गुनाह कर ही नहीं सकता, ये कभी गुनाह कर ही नहीं सकता, फरिश्ता बन के निकलता है। लेकिन तन्हाई का गुनाह भी बड़ा खतरनाक है मेरे भाइयों। अल्लाह का डर अगर होगा ना, जब रात को मेरी माए बहन आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा, अब इसमें नेट पैक है, अब आपको 2 GB 3 GB फ्री में आपको डेटा मिल रहा है, अब आप सोच रहे माँ तो नहीं है, बाप भी नहीं है, शोहर भी नहीं है, सोदी में रहते, चलो कुछ देख लेता हूँ, कुछ किसी से बात कर लेती हूँ। नहीं, अगर अल्लाह का डर होगा ना तो आप उस वक्त भी गुनाहों से बच जाएगा। क्यों? याद रखिएगा, तन्हाई का गुनाह जाहिरी गुनाह से बड़ा खतरनाक होता है। हदीस सुनाओ, हदीस सुना देता हूँ आपको, आइए हदीस सुनिए। इब्ने माजा की हदीस है, सही हदीस है, हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु है। आइए इस हदीस को भी जरा सुनते जाइए। तन्हाई के गुना मतलब लोगों से छिप कर जो आप गुनाह करते हैं, कितना खयाना, कितना खतरनाक और कितना भयानक गुनाह। देखिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, आए लोगो कल कयामत के रोज मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहाड़ के बराबर, हदीस का अल्फाज है, तिहामा पहाड़ के बराबर नेकिया लेकर आएगा। फिर से हदीस सुनिए, नबी अकरम बयान फरमाते हैं, कुछ लोग मेरी उम्मत के अंदर ऐसे होंगे कल कयामत के रोज। इब्ने माजा की सही हदीस है, सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है,
नेकियां लेकर आएंगे पहाड़ के बराबर, यानी बहुत सारी नेकियां लेकर आएंगे। लेकिन कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व ताला उसके नेकियों को बर्बाद कर देगा, उसकी नेकियों को तबाह कर देगा, उसकी नेकियों को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी उसकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। सौबान रजी अल्लाह ताला अनु पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग है जो त्यामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे लेकिन उनकी नेकियां उनको जन्नत में ले जा ना सकेगी, जन्नत में ना ले जाएंगी, वो कौन से इंसान है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो लोग हैं जो त्यामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे लेकिन उनकी नेकियां उनको जन्नत तक पहुंचा नहीं सकेंगी। वो लोग कौन लोग? जो लोग छिप छिप कर बुराई का काम क्या करते थे, जो लोग पोशीदा तौर पर गुनाहों का काम क्या करते थे, पोशीदा तौर पर लोगों की नजर से छिप छिप कर गुनाहों का काम करते थे। लोगों की नजर में जब निकलता था ना, बड़ा जुब्बा लगा के निकलता था, टोपी वोपी लगा के इत्र उत्र डाल के निकलता था, शेरशाही वाले भी समझते थे अल्लाह कितना मासूम है, गुनाह नहीं करता है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है। लेकिन वही बंदा जब घर में जाता था दरवाजा बंद करके इधर उधर करता था, इधर उधर करता था, लोगों की नजर से छिप छिप कर गुनाह करता था। तो ऐसा लोग जो कल कयामत के रोज तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, जकात भी देंगे, सब कुछ करेंगे लेकिन बुराई में तन्हाई में गुनाह करेंगे तो इनकी नेकियां कल कयामत के रोज नष्ट हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो तन्हाई के गुनाह से भी अगर आप बचना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। अल्लाह का डर, अल्लाह का डर। जब भी मसला याद रखे, आप यहां से जलसा सुन के जाएंगे ना, सोने के लिए जाएंगे, अब सोने जा रहे हैं, अब आपका दिल, अब शैतान आपके दिल में वसवसा डाल रहा है, चलो ये कर लेता हूं, ये कर। आप जानते हैं गुनाह क्या है जो करने के बाद दिल में खटके, हर इंसान जानता है जब वो गलत काम करेगा तो उनके दिल में खटकेगा, यार मैंने ये गलत कर दिया, ऐसा होता है ना यार मैंने ये। चोर भी जब चोरी करता है ना तो उसके एहसास होता है कि ये गलत है। अगर कोई जिना करने भी जाता है ना तो जिना करने के बाद उसको एहसास होता है नहीं ये गलत है। तो गुनाह क्या है? गुनाह तो यही है ना जो करने के बाद दिल में खटके, कोई ऐसा काम कर रहे हैं ना, अब कोई नहीं है कर रहे ना, अब खटक रहा है, नहीं ऐसा काम नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो अल्लाह की नजर का, अल्लाह की पकड़ का आलम यह है कि कल कयामत के रोज इसका जवाब हमें देना पड़ेगा, अल्लाह की नजर से नहीं छिप सकता। यही चीज मेरे भाई, यही चीज, बस इस चीज को आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह की नजर का और पकड़ का आलम क्या है? कुरान करीम के अंदर आपको फिर लेके चलता हूं कुरान की तरफ। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं, क्या नसीहत करते हैं? आह ऐसा बाप हर औलाद को नसीब हो जाए, पढ़े अल्लाहुम्मा आमीन। कहाँ है ऐसा बाप? बाप तो बेटा से कहता है, आज हमारा जो बाप है समाज में, बाप बेटा से कहता है, बेटा 5 रुपया खुल्ला लेके जा, 1 पैकेट सिगरेट लेके आ, कहते हैं ना। बेटा भी बड़ा चालाक होता है, एक निकाल ही लेता हूँ, बाप को क्या पता चलेगा, बेटा को भेजता है, जा सिगरेट की पैकेट लेके आ। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम पर जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं और देखिए किस तरह नसीहत करते हैं। कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने उसको बयान किया है, उसकी नसीहत को कुरान करीम के अंदर रिकॉर्ड किया है, यानी कुरान करीम के अंदर नकल किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहत को बयान करते हैं और कहते हैं कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम इस अंदाज में अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया इन्ना इन तक मिन कौला हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहा अल्लाह। कि ऐ मेरे बेटे, कहीं भी रहो इस बात को याद रखो, ऐ मेरे बेटे, या बुनैया इन्ना इन तक मिन कौला हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहा अल्लाह। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह की नजर का आलम तो ये है, अल्लाह की कुदरत का आलम तो ये है, अल्लाह की पकड़ का आलम तो ये है कि अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, गौर कीजिए नसीहत पर, ऐ मेरे बेटे, राई का दाना समझते हैं ना, राई बड़ी छोटी होती है, इतनी सी होती है, अगर आपके सामने में
अगर राय एक राय पड़ी रहेगी, एक राय का दाना पड़ा रहेगा तो आपको नजर नहीं आएगा, आपको वो दाना नजर नहीं आएगा। बड़ी छोटी चीज होती है राय, राय समझते हैं ना, राय आप लोग बंगला में क्या बोलते हैं? अच्छा सुरसा राय बोलते हैं। अच्छा देखिए, कहते हैं मेरे बेटे अगर आसमान के नीचे जमीन के ऊपर किसी पत्थर के नीचे किसी चट्टान के नीचे अगर राय के दाने के बराबर भी कोई चीज छिपी होंगी, अगर कोई चीज पड़ी होंगी तो अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की पकड़ का, अल्लाह की नजर का आलम तो ये है कि अल्लाह उसको भी सामने लेकर आएगा। यानी हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटों से नसीहत कर रहे हैं, ऐ मेरे बेटे दुनिया के अंदर किसी भी कोने में अगर तुम छोटा से छोटा काम तुम जो भी करोगे अल्लाह की नजर से बच नहीं पाओगे, अल्लाह की पकड़ से बच नहीं पाओगे, अल्लाह की कुदरत से बच नहीं पाओगे। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप अपने अंदर इस चीज को पैदा कर लीजिए। जब भी कोई गलत काम करने का इरादा करे तो ये सोचे कि मैं अल्लाह की नजर से बच नहीं सकता, लोगों की नजर से तो बच सकता हूँ लेकिन अल्लाह की नजर से और अल्लाह की कुदरत से बच नहीं सकता। बस इस चीज को पैदा कर लीजिए, गुनाह से बच जाइएगा। आह, राय की दाना तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह तो नजर की चोरी को भी जानता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह की कुदरत का आलम देखिए मेरे भाइयों। नजर की चोरी, नजर की चोरी समझते हैं ना हमारे नौजवान, ज्यादा समझते हैं। रास्ते से चल रहे हैं, कुछ लड़कियां खड़ी हैं रास्ते के किनारे में और चल रहे हैं, दूर से उसकी आंखें कहीं और है लेकिन नजर कहीं और है। कहते हैं ना निगाहें कहीं पर निशाना कहीं पर, कहते हैं ना निगाहें कहीं पर निशाना कहीं पर, तो तिरछी नजर से देखते हैं, इस तरह देखते हैं, अरे नजर की चोरी करते हैं। अल्लाह कहता है मेरे बंदो तुम नजर की चोरी करते हो, अरे मेरी कुदरत का आलम तो ये है कि मैं तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता हूं। आंखों की चोरी, चोरी जो तिरछी नजर से गलत चीजों को देख रहे हैं, आंखों की जो चोरी कर रहे हैं ना उसको भी अल्लाह जानता है। कैसे? कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ। ऐ नौजवानों, छिप छिप कर गलत चीजों की तरफ देखने वालों, छिप छिप कर यानी नजर तिरछी करके किसी लड़कियों को बार बार घूरने वालों, याद रखो आज के बाद जब भी तुम रास्ता से चलो, जब तुम तिरछी नजर से किसी और की तरफ देखना चाहो तो याद रखो कि आपकी नजर की चोरी को किसी को पता चले या ना चले बल अल्लाह को पता चल रहा है, अल्लाह इसको भी जान रहा है। इसलिए के यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुखफी सुदूर, ऐ लोगो अल्लाह की नजर का आलम तो ये है, कुदरत का आलम तो ये है कि अल्लाह तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, आंखों की चोरी को भी जानता है। और आगे आइए, अल्लाह की कुदरत देखिए मेरे भाइयों, और आगे आइए जबान लीजिए। एक इंसान जबान से भी बहुत ज्यादा गुनाह करता है। जबान किसी को, तेरी बहन की, तेरी माँ की, तेरी इसकी, तेरी उसकी, हमेशा हमारी जबान से गालियां निकलती रहती है। आज गाली देना भी हम मजाक समझते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर किसी को गाली दे दिए वो बुरा मान गया, मेरा भाई बुरा मत मान, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। गाली देकर कहते मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं होता। अल्लाह अकबर। सिरसाई वालों, आज के बाद, आज के बाद जब यहां से जलसा सुनकर जाइएगा ना, तो आज के बाद पहले क्या किया, तौबा कीजिए। आज के बाद इस चीज को आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। क्या चीज? कि जब भी अपनी जबान से किसी बात को कहने का इरादा कीजिएगा, किसी से बात कीजिएगा, जब भी आपकी जबान से कोई बात निकलेगी तो ये एहसास अपने अंदर पैदा कर लीजिएगा, हाय अल्लाह मैं जो बात करने जा रहा हूं, मेरी जबान से जो एक एक बात निकल रही है, कल कयामत के रोज अल्लाह की अदालत में इसका भी जवाब देना पड़ेगा, कल अल्लाह की अदालत में इसका भी जवाब देना पड़ेगा। मसलन मैं जो आप लोगों के सामने इतनी देर से तकरीर कर रहा हूं, मेरी जबान से जितनी भी बातें निकल रही है ना, ये भी अल्लाह से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि तमाम बातें मेरे नामा आमाल के अंदर रिकॉर्ड हो रही है मेरे भाइयों, तमाम। अगर मैं एक गलत बोलूंगा ना, वो भी मेरे नामा आमाल के अंदर वो बात रिकॉर्ड हो जाएगी, और कल कयामत के दिन जो मैंने गलत बोला इसके ताल्लुक से अल्लाह की अदालत में अल्लाह के सामने मुझे जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, ए शेरशाही के लोगों, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद।
तुम्हारी जबान से निकलने वाली एक एक बात को भी अल्लाह जानता है, तुम्हारी जबान से निकलने वाली एक एक बात को भी अल्लाह जानता है, वो भी तुम्हारे नामाए अमाल के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है मेरे भाइयों। कल कयामत के दिन इसके बारे में भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। और आगे आइए, फिर इंशाल्लाह वो वाकयात लेकर आऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि अगर अल्लाह का डर होगा तो किस तरह आप गुनाह से बच जाइएगा। यही तो डर है मेरे भाइयों। और एक चीज पर जरा गौर कीजिए, अल्लाह का डर, अल्लाह का डर। आज लोग क्या करते हैं, लोगों से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। इसकी एक मिसाल दे दूं, आप ट्रेन पे सफर कर रहे हैं, आप ट्रेन पे सफर कर रहे हैं, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, एक दिन मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं, तो एसी डब्बा में हूं, तो अब मैं, मुझे बाथरूम आई, एक नंबर आई, तो मुझे बाथरूम जाना है। जब मैं बाथरूम में जा रहा हूं, बड़ी देर से वहां पे खड़ा हूं, लेकिन बाथरूम से निकल ही नहीं रहा है। मैं मन ही मन में सोच रहा हूं, सर मर तो नहीं गया बाथरूम के अंदर जाके, अब निकल ही नहीं रहा है, वो बाथरूम के अंदर है, अब निकल नहीं रहा बाथरूम के अंदर से। मैं खड़ा हूं। कुछ देर के बाद वो बाथरूम से निकला, ट्रेन की बात कर रहा हूं, वो बाथरूम से निकला। मैं बाथरूम के अंदर गया तो जाने के बाद मुझे वो महक, सिगरेट की महक आ गई। तब पता चला ये बाथरूम में बैठकर कमीना सिगरेट पी रहा था, बाथरूम में बैठकर। अब बताइए, बाथरूम में बैठकर वो सिगरेट क्यों पी रहा था? इसलिए सिगरेट पी रहा था क्योंकि ट्रेन में अगर कोई सिगरेट पीता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, है ना? ट्रेन में लिखा है ना, नो स्मोकिंग। अगर कोई ट्रेन में सिगरेट पिएगा तो 200 रुपया या 600 रुपया या 500 रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो वो जुर्माना देने के डर से, ताकि कोई उसको पकड़ ना ले, ट्रेन में कोई उसको पकड़ ना ले, कोई पुलिस उसको पकड़ ना ले, इसलिए वो बाथरूम में जाकर सिगरेट पी रहा है। लेकिन अगर उसके पास अल्लाह का डर मौजूद होता, अगर खशियत इलाही, खौफ इलाही अगर उसके अंदर मौजूद होता, तो वो ये भी समझता कि मैं जो बाथरूम में जाकर सिगरेट पी रहा हूं, इसका भी इल्म अल्लाह को है, अल्लाह की नजर से मैं नहीं बच पाऊंगा। इसलिए अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए, हर बुराई से, हर गुनाह से आप बच जाइएगा। और अल्लाह का डर है कि अल्लाह देख रहा है, कोई भी अमल कीजिए कि अल्लाह देख रहा है। मेरे भाई देखिए, बहुत सारी जगहों में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चोर चोरी करने के लिए जाता है, जब उसकी नजर पड़ती है सीसीटीवी कैमरा के ऊपर तो वो वहां से पलट कर आ जाता है। क्यों? अगर मैं यहां चोरी करूंगा तो सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा जाऊंगा कि नहीं। चलिए एक मिसाल और भी मैं देता हूं, मेरा शमसी में फ्लैट है, शेख जानते हैं, कई बार उनसे मुलाकात हुई है शेख से, तो शमसी की बात कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं डिंगे हाँक रहा हूं आप लोगों को, समझ मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड है शमसी में, उनकी जो है बुरका की दुकान है, हिजाब की दुकान है, तो एक दिन वो मुझे फोन किए सुबह सुबह कि भाई साहब आप थोड़ा दुकान में आइए। तो मैं उनकी दुकान में गया, मैंने कहा कि बताओ क्या माजरा है। कहा कि कुछ बुरका जो है यहाँ से चोरी हो गया है, मेरे दुकान में चोरी हुई है। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरा नहीं है? बोला हाँ है। मैंने कहा चेक करो। जब चेक कर रहा है तो लगभग 3 बजे के करीब, सुबह 3 बजे के करीब एक चोर घुस रहा है, लेकिन शक्ल सूरत जो है समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसका जब सर देख रहा हूँ तो सर में बाल नहीं है, गंजा है, बिल्कुल गंजा है, सर में बिल्कुल बाल नहीं है। तो मैंने कहा कि फोटोज निकालो, फिर वो फोटोज निकाले, उसकी तस्वीर वहाँ से निकाले, जो नाइट गार्ड है उसके पास गए और उनसे कहा कि आप इस आदमी को पहचानते हैं? तो चेहरा देखकर तो नहीं समझ पाता है, तो जो सर में जो देख रहा है कि बाल नहीं है, तो बोला ठीक है, इसको तो ऐसे नहीं पहचानता हूँ, कल जब वो आएगा, फिर वो आएगा चोरी करने के लिए, जब वो कल आएगा किसी और दुकान में चोरी करने के लिए तो मैं उसको ज़रूर पकड़ूंगा। वो बंदा एक दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, अब सोचा कि मैं बच गया। 4-5 रोज के बाद वही बंदा फिर चोरी करने के लिए आया और नाइट गार्ड जो था वहाँ पे उसकी नज़र में पकड़ा गया। जब वो देखा कि सर में बाल नहीं है तो पकड़ लिया, फिर उसको कहा कि तुमने चोरी की, सीसीटीवी कैमरा में देख रहा हूँ, तो वो कहा कि हाँ मैंने चोरी की। फिर उसकी डिटेल्स निकाली गई, बुरा मत मानेगा, कहाँ का था पता है? कलिया चौक का था। यहाँ से चोरी करने के लिए गया एसएमसी में, हाय अल्लाह, कलिया चौक तो ऐसे भी बदनाम है, शमसी में जाके पकड़ा जाता है, कहाँ का चोर? कलिया चौक। अच्छा, कलिया चौक वाले चोरी बहुत करते हैं क्या? 2 दिन पहले की बात, नागौर ब्रिज है, एक चोर को बड़ी बेरहमी के साथ पीटा गया, बड़ी बेरहमी के साथ। मेरे जलसा करके आ रहा था, मेरी नजर पड़ी, मैं ठहर गया, सच बता रहा हूं, नागौर की बात करो, 2 दिन पहले की बात, मैं वहां पर ठहर गया। मैंने कहा भाई माजरा क्या है, यहाँ पे इतने लोगों की भीड़ क्यों है? बोला एक चोर पकड़ा गया है, जो मोबाइल चोरी करते पकड़ा गया है, उसको मारा जा रहा है। मैं फिर उसके पास गया, उसके पास जाकर मार के मुंह तोड़ दिया है, चारों तरफ से खून निकल रहा है। फिर मैंने कहा कि मत मारो इसको, मैंने उनके पास बैठा, कहा भाई साहब आपका घर कहाँ है? वो भी बोल रहा कलिया चौक घर है। ऐसा क्यों होता है?
अल्लाह का डर पैदा नहीं है मेरे भाई, बुरा मत मानिएगा। ये कलिया चौक ऐसे ही बदनाम है, हर जगह पकड़े जाते हैं, हमारे उधर कटियार में ड्रग्स में पकड़ा जाता है। कहाँ का है साहब कलिया चौक का? मेरी माँ कहती है, यकीन मानिए मेरी माँ कहती है, जब भी सुन, आज भी जब मैं प्रोग्राम से निकला, बेटा कहाँ प्रोग्राम है आज, मैंने कहा कलिया चौक में, कहा बेटा संभाल के जाना, बड़ा खतरनाक लोग है कलिया चौक के, बड़े खतरनाक। ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ ये चोरी की वाकया, ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ मेरे भाइयों, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह का डर, आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें। सीसीटीवी कैमरा आपको पकड़े जाना पड़े, दुनिया की अदालत आपको सजाए दे या ना दे, आप याद रखें जब भी कोई काम करे ना, कुरान कहता है लोगों, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे कंधे के ऊपर किरामन कातिबीन को बैठा दिया है, जब भी तुम कोई काम करो, दुनिया के सीसीटीवी कैमरा तुम्हें पकड़े या ना पकड़े, दुनिया की पुलिस तुम्हें पकड़े या ना पकड़े, कोई और तुम्हें देखे या ना देखे, पर तुम अल्लाह की नजर से बच नहीं सकते, किरामन कातिबीन की नजर से बच नहीं सकते। इस चीज को आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए, यकीनन यह चीज अगर आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप गुनाहों से बच जाएगा। आइए चंद वाकयात भी मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ कि अगर वो वाकया आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो आप किस तरह गुनाहों से बच जाएंगे। क्या चीज बता रहा हूं शुरू से, अल्लाह का डर गुनाहों से बचने के लिए। अगर खुद की इसलाह करना चाहते हैं तो अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए, अगर अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो आप गुनाहों से बच जाइएगा, हर किस्म की बुराई से आप बच जाइएगा। जरूरी है अल्लाह का डर पैदा करना। आइए उन वाकयात पर भी, उन वाकयात की तरफ भी मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं जो बिल्कुल सही वाकयात, जो बिल्कुल मुस्तरद वाकयात हैं। आइए उस वाकया की तरफ चलता हूं। अगर आपके अंदर अल्लाह का डर होगा, अगर तकवा होगा, तो किस तरह आप गुनाहों से बच जाइएगा। उस आदमी को देखिए जो आदमी बनी इसराइल में से तीन आदमी रास्ते से जा रहे हैं, देखिए अल्लाह का डर क्या है। तीन आदमी जा रहा है, रास्ते में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, वो तीनों आदमी मूसलाधार बारिश से बचने के लिए एक गार में जाकर छिप जाते हैं। एक गार में जाकर जब घुसते हैं, एक गार में जाकर जब छिपते हैं, एक भारी सा पत्थर, एक चट्टान गार के मुंह में आकर गार को बंद कर लेती है। यानी वो भारी सा पत्थर गार के मुंह को इस कदर बंद करता है कि ना बाहर की कोई चीज नजर आ रही है, ना अंदर की कोई चीज नजर आ रही है। अब वो पत्थर बहुत भारी है, वो तीनों आदमी सोचता है अगर ये पत्थर इतना भारी है, मैं तीन आदमी यहाँ पर मौजूद हूँ, अगर 100 आदमी मिलकर भी इस पत्थर को गार के मुंह से हटाना चाहे तो हटा नहीं सकता, हम तो बस तीन हैं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि इस पत्थर को गार के मुंह से हटा दूं। अब वो लोग अपने सामने अपनी मौत को देख रहे थे, वाकया पर जरा गौर कीजिएगा, अपनी मौत को अपने सामने देख रहे थे, बड़े परेशान में है। उन तीनों में से एक ने कहा, भाई अगर ऐसा कोई अमल जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए किए हो तो उसके हवाले से अल्लाह से मदद तलब करो, हो सकता है कि अल्लाह ही इस मुसीबत से हमको बचा ले, हम तीनों की इस मुसीबत से बचा ले। उन तीनों में से लंबी हदीस है, लंबा वाकया है, उन तीनों में से एक आदमी जो अल्लाह से कहता है, अल्लाह ऐ अल्लाह मैं अपनी चाचा जाद बहन से, मैं अपनी चचेरी बहन से इश्क करता था, मैं ही मोहब्बत करता था, इश्क करता था, मोहब्बत करता था, मेरी दिली ख्वाहिश थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं अपनी बहन के साथ, चचेरी बहन के साथ मैं अपनी हवस की आग को बुझाऊं, मैं अपनी जवानी को शांत करूं। ए अल्लाह मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपनी चचेरी बहन के साथ मैं गलत काम करूं, मैं मौका की तलाश में था, एक दिन मौका मेरे पास आ पड़ा, मेरी चचेरी बहन मेरे पास मदद मांगने के लिए आई। ए अल्लाह मैंने मेरी बहन के सामने मैंने ये शर्त रखी कि मेरी बहन अगर तुम मुझसे मदद मांगती है तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखो मेरी यह शर्त है, एक रात के लिए मेरे पास ठहरना पड़ेगा, एक रात के लिए तुझे मेरे पास ठहरना पड़ेगा, एक रात के लिए। अब चचेरी बहन मजबूरी की आलम में, मजबूरी की हालत में तैयार हो जाती है, राजी हो जाती है,
घर के अंदर तशरीफ लाती है, लाने के बाद वो आदमी मन ही मन में खुश हो जाता है कि बहुत दिनों की चाहत, बहुत दिनों की तमन्ना आज पूरी होने को है। बहन भी राजी है, मैं भी तैयार, अब दोनों तैयार हैं गलत काम करने के लिए। इतने वक्त में वो चचेरी बहन उस इंसान से, उस बंदा से कहता है, या अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर जा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे